बड़हलगंज पुलिस ने शातिर जालसाज राहुल पांडे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जालसाज के पास से मोबाइल, सिम समेत बाइक बरामद किया गया है। दिलचस्प है कि खुद को फर्जी अधिकारी बनकर शातिर रौब दिखाकर ठगी करता था। खुद को डीआईजी और कमिश्नर बताकर ठग धन उगाही किया करता था। खासकर जालसाज तबादले और प्रमोशन के लिए अधिकारियों को फोन किया करता था। इतना ही नहीं, शातिर दबाव बनाने के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता था। वही बड़हलगंज पुलिस ने कस्बे से जालसाज राहुल पांडे को गिरफ्तार किया। इस संबंध में एसपी साउथ विपिन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कई दिनों से फर्जी डीआईजी और कमिश्नर बनकर फोन कर रहा था, जिसे बड़हलगंज थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ उस युवक को गिरफ्तार किया है। युवक स्थानीय बड़हलगंज कस्बे का ही रहने वाला है, जिसका नाम राहुल पांडे है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए युवक के पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल सिम कार्ड बरामद किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा, नशे में थे, पता नहीं है। कौन हमारे अधिकारी और अधिकारी डीआईजी विभाग और एक बनते थे ओपी मिश्रा डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, कितनी बार आप तक किए हो? कई लोगों से पैसा लिया होता है? 5-6 लोगों से हमें 2-3 से पैसा नहीं होता। कितना पैसा था? 35 कैसे मंगवा रहे? क्या कहे पैसे डाले? क्या कहे थे? मतलब मेरा लड़का जा रहा है, इसमें नीचे थे ट्रांसलेशन करते। मेरा लड़का जा रहा है और राहुल को दे दीजिएगा 3500 रुपये करके। ये तो ये अमित सर फिर हमको बुलाए और कहें राहुल ले लो, तो हमको दिए 5-7 हज़ार ले के चलो। एक कई दिनों से ये एक फर्जी डीआईजी और डिप्टी कमिश्नर बनकर एक आदमी फ़ोन कर रहा था। इसको थानाध्यक्ष बड़हलगंज, जो इंस्पेक्टर बड़हलगंज हमारे, उन्होंने गिरफ्तार किया है। और ये वहीं कस्बे का रहने वाला, इसका नाम राहुल पांडे है, जो कस्बा बड़हलगंज का है। ये तरह तरह के लोगों को धमकाता था और कहता था कि मैं फला बोल रहा हूँ, फला बोल रहा हूँ। इस पर अपराध पंजीकृत किया गया और उस पर अरेस्ट करके उसे जेल भेजा जा रहा है। सर, अब तक कितने लोगों को ये अपना शिकायत बना चुका था? कई लोगों को बनाया है, उसमें अभी संख्या तो नहीं है। कई बार पुलिस अधिकारियों को भी इसने फ़ोन किया और उल्टा सीधा सब बताया कि ये सिफारिश जो करी जाती है कि ये हम इसको छोड़ दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। इस तरह से इसने कई अपराध किए हैं, जिस पर अपराध पंजीकृत किया गया और इस पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ बरामद भी हुआ इसके पास से? इसके पास से जो जिस मोटरसाइकिल को यूज करता था और इसके साथ जो ये मोबाइल और सिम कार्ड है, वो अरेस्ट उसे मिला है, बरामद किया गया।